हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीसी सेंटर। आज मेरा सेकेंड डेज है इंग्लिश ग्रामर का। इससे पहले मैंने फर्स्ट डेज आने की शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे पहले अगर आप फर्स्ट डेज वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले आप उस चीज को देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि जो चीज मैं एक बार समझाऊंगा अगर दूसरा बार आपको ना समझना है, यानी कि एक बार समझाने के बाद अगर दूसरा बार आपको ना समझ आता है तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं वीडियो को डिलीट करने का वादा करता हूँ। अगर ना समझ आए तो हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ा सा इधर उधर ध्यान कर देते होंगे तो कोई पॉइंट नहीं समझ आता हो, तो आप पूरा क्या कीजिए, माइंड को कॉन्ट्रास्ट करके आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, एक बार से दो बार देखिए। फिर भी अगर आपको ना समझ आए ना तो मैं वीडियो को डिलीट करूंगा, फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। इससे पहले मैंने पार्ट वन भी बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं कि मैंने उसको कैसा समझाने का प्रयास किया। और आज मेरा सेकेंड डेज है दिस डेज दैट डोज का, ठीक है, यानी दिस दैट डेज डोज पूरा एक मतलब कि कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आप कभी बोलेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और सबसे पहली बात तो ये आता है दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा, या अच्छा या खराब, कॉमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर खराब लगा हो तो डिसलाइक करें, ठीक है। चलिए, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरा इंग्लिश ग्रामर का सेकेंड डेज है, ठीक है। तो सेकेंड डेज है तो आज मैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूज ऑफ दिस डेज दैट डोज का यूज कहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि दिस से ही बनता है डेज और दैट से ही बनता है डोज। मतलब मेरे पास दो ही सेंटेंस है, दिस और दैट। दिस से बनता है डेज और दैट से बनता है डोज। कैसे वो आपको खुद पता चल जाएगा, सिर्फ आप समझिए। हाँ देखिए, हम यहाँ पे लिखे दिस और यहाँ पे लिखे डेज, क्योंकि मैंने भी क्या बोला, दिस से बनता है डेज और दैट से बनता है डोज। तो यहाँ पे मैंने यूज पढ़ रहा हूँ किसका, दिस का पढ़ रहा हूँ, और दिस से ही बना डेज। तो अभी दिस और डेज दोनों को बात करते हैं। तो दिस मतलब होता है हिंदी यह, देश का हिंदी होता है ये या ये सब, देश का हिंदी ये या ये सब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मॉइन जो पॉइंट होता है वो आपको याद रखना, ठीक है, कि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है। सिर्फ आप समझिए जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये नजदीक क्या है, दूर क्या है, आपको लास्ट में पता चल जाएगा। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप समझिए कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। नजदीक के लिए यह का प्रयोग नजदीक के लिए किया जा रहा है, और दिस का प्रयोग हमेशा एक वस्तु के लिए जा रहा है, यानी कि जब एक कलम रहेगा, एक कॉपी रहेगा, एक गाड़ी रहेगा, तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, यानी कि एक के लिए, नजदीक के लिए। इसके साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है, इज, ठीक है। अब एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले हम देखें। इसका भी प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है, देश का भी प्रयोग नजदीक के लिए, देश का प्रयोग भी नजदीक के लिए। ये बहुत वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे जहां पे एक से अधिक रहेगा, जैसे दो चार छह आठ दस बारह, तो वहां पे देश को यूज करेंगे। और इसके साथ हमेशा आर लगता है, क्योंकि इज सिंगुलर होता है, ये प्लुरल होता है, मतलब बहुत के साथ आर लगता है और एक के साथ इज लगता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू से आपको कुछ पता चलेगा, ठीक है। हाँ चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिए यह एक बिल्ली है, तो यह का स्पेलिंग क्या होता है, दिस होता है ना, भी मैंने आपको बताया, तो दिस लिख दिया। अब एक बिल्ली है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जब एक वस्तु के बारे में बात किया जाए तो दिस का यूज करेंगे, साथ में साथ ये एक वस्तु, यानी कि एक बिल्ली है ना, तो जब भी एक का बात की जाए तो दिस लगाएंगे, तो दिस लगा दिए। अब इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, ईज लगेगा, तो ये लगा दिया, आर आ बिल्ली का आ कैट होता है, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ नीचे, तो यह एक कुत्ता है, तो एक कुत्ता है ना, एक है ना, तो एक के लिए क्या लगाएंगे, यह मतलब की यह एक कुत्ता है, तो इस समय क्या बचा रहा है, एक है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे दिस और इसके साथ इज लगाएंगे यहाँ पे, और आ कुत्ता का आ डॉग हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको कंफ्यूजन ना, अभी मैंने इसके आगे वाला जो आएगा इसका पार्ट, मैं आपको फिगर तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा चित्र के माध्यम से, ठीक है। हाँ चलिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सब बिलियां हैं, ये सब बिलियां हैं, देज आर कैट्स, क्योंकि ये या तो फिर ये सब का होता है देज, और इसके साथ आर लगता है, और बिलियन का होता है कैट, लेकिन यस क्यों लगा, क्योंकि बहुत सारे बिली, तो जब बहुत सारा हो तो इसके साथ यस लगता है, ठीक है। हाँ अब इसके बाद ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं मतलब कि ये कुत्ता नहीं, बहुत सारा ये कुत्ते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कुत्ते हैं, तो ये कुत्ते के देज हो गया, इसके साथ आर लगता है, कुत्ता का होता है डॉग, लेकिन यस लगा क्योंकि बहुत सारा, कोई भी चीज में अगर बहुत सारा, एक से बहुत ज्यादा बन जाता है, जैसे कुत्ता तो डॉग, कुत्ते हैं तो डॉग्स, गोट मतलब बकरी, गोट्स मतलब बहुत सारे बकरी, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इतना सारा हो गया कि देश का परी मतलब होता है यह, और देश का मतलब होता है ये सब। इसका यूज नजदीक के लिए किया जाता है, इसका भी यूज नजदीक के लिए, इसका एक के लिए, इसका बहुत के लिए, इसके साथ हमेशा इज लगता है, इसके साथ हमेशा आर लगता है। एग्जांपल आप खुद देख लें। अब मैंने भी बात किया, अभी मैंने बात किया दिस और देश का, बात करते दैट और डोज का, ठीक है। तो दैट से ही बना डोज, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दैट और डोज है क्या, ठीक है। हाँ तो चलिए, दैट और डोज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
चलिए, डैट मतलब होता है वह, और इसी से बना दो जिसका हिंदी होता है वे या वे सब। इसके पहले वाले जो पढ़े थे दिस और दे, जो उसके नजदीक के लिए था, लेकिन ये दूर के लिए, ये भी दूर के लिए, ये एक वस्तु के लिए, कोई भी एक वस्तु के लिए, और ये एक से अधिक वस्तु के लिए, जैसे दो तीन चार, इसके साथ भी ये लगता है, इसके साथ भी आर लगता है। जैसे वह एक आदमी है तो वह एक आदमी है ना, तो दैट लगेगा तो दैट इज अ मैन। वे सब आदमी है, जब बहुत सारा आदमी है तो दो आर मैंस लगेगी। मैंस क्यों, क्योंकि बहुत सारा के लिए। ठीक है, वह कार है तो दैट इज अ कार हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं वे कारो है, मतलब बहुत सारे कारो है, तो दोज आर कार्स, एस क्यों लगा पता चल गया। चलिए, अब आपको शायद अगर अभी तक ना समझ में आया होगा, अगर अभी तक आपको ना समझ में आया होगा तो अब आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ तो ए फिगर को अगर आप समझ गए ना, तो पूरा इस दिस दैट दोज पूरा खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। मैंने बस चार एग्जाम्पल लिया हूं, एक दो तीन चार, अगर आप इसको समझिए ना तब पूरा खेल खत्म। ठीक है, चलिए, हाँ तो देखिए, मैंने अभी क्या पढ़ा कि डिफरेंस ऑफ दिस देज दैट दोज, ए दिस और दैट देज दोज बहुत आपको कंफ्यूजन करता है, ये है क्या। तो बेसिकली अब देखिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है जिसके नजदीक में एक बॉल रखा हुआ, ये क्या है, बॉल है। यहाँ भी एक आदमी खड़ा है लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बॉल रखा हुआ, यहाँ भी एक आदमी खड़ा लेकिन इससे दूर में बॉल रखा हुआ, यहाँ पे एक बॉल था नजदीक, यहाँ बहुत सारा बॉल था नजदीक, लेकिन यहाँ पे एक आदमी खड़ा जिसके दूर में जाकर के एक ही बॉल है, और यहाँ पे एक आदमी है खड़ा जिसके पास जाकर के दूर में बहुत सारा बॉल है। तो ऐसा हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कि जब मेरे पास, मतलब मेरे नजदीक में मेरे पास जब एक सामान होता है तो कैसे बोलेंगे, और वही सामान मेरे पास ही बहुत सारा रहे तो कैसे बोलेंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये सारे यूज करते हैं इंग्लिश बोलने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आदमी खड़ा हुआ और इसके पास यहाँ पे बॉल है, तो ये क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दिस इज अ बॉल, मतलब मेरे पास एक बॉल है, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं यह बॉल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब कोई भी वस्तु एक हो और आदमी के नजदीक हो तो दिस लगेंगे, ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु एक हो और नजदीक हो तो लगाएंगे दिस, इसके साथ इज, और जो है आ बॉल, तो आ बॉल, आ कैट, कुछ भी। तो ये आदमी क्या बोलेगा इसको, दिस इज अ बॉल, मतलब कि यह एक गेंद है। वही गेंद एक है नजदीक के पास, वही अगर नजदीक में ही बहुत सारा बॉल रहे तो कहेगा देज आर बॉल्स, मतलब यहाँ बहुत सारे गेंदे हैं, या तो कि, या तो फिर ऐसे बोलेगा ये सब गेंदे हैं, ये सब गेंदे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि दिस मतलब नजदीक में जब एक सामान रहेगा तो दिस का यूज करेगा, और जब नजदीक में ही बहुत सारा सामान रहेगा तो उसके लिए देज का यूज करेगा। हाँ, अब चलते हैं दैट और दोज की ओर। तो देखिए, जब दूर में, जब जब क्या हो, ये नजदीक में था, जब दूर में एक ही वस्तु हो तो इसके लिए दैट, तो दैट इज अ बॉल, क्या कहेगा, वह एक बॉल है, वह यूज करेगा ना, क्योंकि वह एक बॉल है। और जब वही चीज दूर में बहुत सारा हो तो कहेगा दो चार बॉल्स। तो हम जानते हैं कि बेसिकली से जो ये दोनों होता है ना, वो नजदीक के लिए होता है और ये दोनों दूर के लिए होता है। ये नजदीक के लिए एक वस्तु के लिए, और ये नजदीक के लिए बहुत सारे वस्तु के लिए, और ये नजदीक के लिए, सॉरी दूर के लिए एक वस्तु के लिए, और ये दूर के लिए बहुत सारे वस्तुओं को। तो आप शायद समझ गए होंगे कि जब आपके पास कोई भी चीज नजदीक में हो और एक हो तो दिस लगाएंगे, जब आपके पास नजदीक में बहुत सारा चीज हो तो देज लगाएंगे, जब आपके पास दूर में एक चीज हो तो दैट लगाएंगे, और जब आपके पास दूर में बहुत सारा चीज हो तो दोज लगाएंगे। ठीक है, और बाकी इज एक रहेगा तो इज, और बहुत सारा रहेगा तो आर लगाएंगे, और जब बहुत सारा रहेगा तो यहाँ पे यस आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको दिस दैट देज दोज पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया होगा दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, डिसलाइक कीजिए, आपके हाथ में है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए आपके हाथ में दोस्तों। बट अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो बस कॉमेंट में एक ही चीज लिखिए कि अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 3 आने की 3rd डे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।